ऑनरेबल कमांडर भूषण दीवान फ्रॉम बॉम्बे महाराष्ट्र। डॉक्टर भूषण दीवान, यस सर, यू आर मोस्ट वेलकम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू डॉक्टर अश्विनी दुबे एंड ऑल द रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट। इट इज अ रेयर प्रिविलेज व्हिच आई हैव बीन टेकिंग फॉर लास्ट मेनी इयर्स टू बी एसोसिएटेड विद डॉक्टर अश्विनी दुबे। आई एम अमेज्ड एट द काइंड ऑफ ग्रेट वर्क दैट ही इज डूइंग जस्ट आउट ऑफ लेबर ऑफ लव। और कहां कहां से ये लोगों को जोड़ देते हैं, इट इज रिमार्केबल। मैं तो इनके सामने मैं छोटा फील करता हूं जिस टाइप का ये काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को जब बोलने का मौका मिलता है तो हम बोल देते हैं, सो कॉल्ड कोट अनकोट ज्ञान बांट देते हैं, और ये तो कर्मयोगी है। पॉइंट ये है, मैंने डॉक्टर नंदिता का भाषण सुना 2 साल पहले, हम उनके साथ फिजिकल प्रेजेंस में थे, तो कोरोना की वजह से तकलीफ है। तो मैं देख रहा हूं उनका भी हमेशा फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है। और ऑफ कोर्स डॉक्टर अखिलेश, अर्लियर एक्स चेयरमैन ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कमीशन, और एक मैंने सुना, मैं नाम स्किप कर गया, जहां AKS यूनिवर्सिटी जहां मैं वाइस चांसलर था, वहां से भी प्रोफेसर हैं अभी आयु हैं जिनको आपने अवार्ड भी किया है, सम्मानित भी किया है। और पॉइंट ये है, मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ख्याल ये है कि हम लोग अपने लेवल पे बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, और शॉर्टकट की होड़ में और एक स्टेटस सिंबल की होड़ में हम उन चीजों को नकार देते हैं, और कंपटीशन की होड़ में। अब मुझे याद आ रहा है सडनली लालू प्रसाद यादव जी ने कुल्लड़ में चाय का दोबारा रीस्टार्ट किया था ट्रेन्स में। अब ये जो प्लास्टिक कप्स हैं बड़े कन्वीनियंट तो लगते हैं, बट मैंने एक स्टडी किया, जो हमारे ओशंस हैं जितना उनके अंदर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है। अभी लास्ट वीक मेरा एक सेशन था इंडियन ओशन पे, रिव्यू में दे रहा था, जो ब्लू इकोनॉमी हम कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया का जो लैंड मास है 3.2 मिलियन किलो स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से कोस्ट से 200 किलोमीटर होता है, वो जो है उसके अंदर हमारा एरिया है 70% ऑफ द लैंड मास, और कितना 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो कितना भारी जो समुद्र हमें दिखता ही नहीं है, क्यों? तो सरफेस दिखता है, और जितना पॉल्यूट कर रहे हैं। अब मालदीव जाइए तो मछलियां दिखती हैं, पोर्ट ब्लेयर जाइए, मैं तो बीइंग नेवल ऑफिसर में कई जगह गया हूं, तो नीचे शोर दिखता है, अंडमान निकोबार में दिखता है, सीशल्स में दिखता है, पर हर जगह हम लोग इतना खराब हो रहा है कि जो आप देख लेना, जो आज 8 अरब आबादी है हमारी, तो आने वाले 50 साल में 60 साल में चांद पे और मंगल ग्रह पे तो घर कब बनेंगे मालूम नहीं, उससे पहले आप देखना समुद्र में घर बनना शुरू हो जाएंगे। बीइंग एक्स नेवल ऑफिसर, हैविंग सीन 1971 वॉर, और बीइंग सर्वड इन मेनी अदर कंट्रीज एज पार्ट ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी, आपको बता सकता हूँ मालदीव कंट्री की बात कर रहा था इस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि देखिए समुद्र जो है हमारी लाइफ है, फ्यूचर हमारे बच्चों की लाइफ समुद्र है। उन्होंने 30 साल पहले 20 साल पहले कैबिनेट मीटिंग, मालदीव्स की कैबिनेट मीटिंग अंडर द सी हुई थी हाईलाइट करने के लिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, और उसके अंदर इतनी वैरायटीज हैं, फौना फ्लोरा की जो बात करते हैं, मैं कह रहा हूं जैसे हम कहते हैं ना आइसबर्ग, 1/3 दिखता है 2/3 नीचे होता है, समुद्र के अंदर जो चीजें हैं वैरायटी है, फ्लोरा फौना फार्म्स ब्लू इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, वो तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 2/3 ऑफ वर्ल्ड वाटर जो है अर्थ सरफेस वाटर है, वो उसके अंदर कितना लाइफ है और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और दिखता नहीं है।
अधिकता नहीं है, और सारा माइक्रो प्लास्टिक्स जो नंदिता मैडम भी बात कर रही थी, माइक्रो प्लास्टिक्स इतने इकट्ठे हो गए कि स्पेसीज की स्पेसीज खत्म हो रही है। और ये सब कनेक्टेड सर, ये ऑर्गेनिकली कनेक्टेड वर्ल्ड है। अर्थ दिखता है तो अलग है, वाटर दिखता है नहीं कम अंदर नीचे, अंडर वाटर नहीं दिखता है तो अलग है, ऐसा नहीं है। इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द अर्थ, उसके अंदर डेप्थ वेरीज फ्रॉम एवरेज डेप्थ इज 3,000 meters, और हाईएस्ट डेप्थ उनकी 7,000 meters है। क्योंकि मैं सबमरीन वॉरफेयर में काम किया है मैंने, तो उसके अंदर कितनी लाइफ है मालूम ही नहीं पड़ता है आपने को। अर्थ के अंदर तो बियॉन्ड अ सर्टेन 2 kilometers, 1 kilometer यू विल नॉट सी एनी लाइफ। समुद्र आप समझ ले 7.5 kilometer तक नीचे लाइफ है, और ये ह्यूज रिसोर्स है। क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हम पॉल्यूट हो रहा है। तो मैं ये समझना, मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर हमें जरूरत ये है कि हमारे जो हमारा कल्चर सभ्यता, वो एक श्लोक है कि नीचे उतरते हैं मैं बिस्तर से उतरूं तो मैं प्रणाम करता हूं धरती माता को, धरती माता मुझे क्षमा करना, मैं आपके ऊपर पांव रख रहा हूं। तो ये हमारे कल्चर के अंदर, सभ्यता के अंदर कई चीजें ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। तो इजिली हम बच्चों को फॉलो करें तो लेक्चर की जरूरत नहीं, वो फॉलो ही होना शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कई स्पीकर्स हैं, इतना अच्छा गैदरिंग इकट्ठा किया है डॉक्टर श्री साहब ने कि मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब मुझे बुलाने के लिए और इन प्रबुद्ध लोगों के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान for your valuable words in this 8th annual national research conference. And now time for next award, innovative environmentalist award. This award goes to Dr. Sushil Kumar Shukla, assistant professor, department of transport science and technology, central university Jharkhand. And the second innovative environmentalist award goes to Dr. Rakesh Kumar Pandey, in charge publication Makhanlal Chaturvedi, Rashtriya Patrikarta Evam Sanchar Vishwavidyalaya Bhopal. And thirdly, Ms. Aisanya Khare, Department of Botany, Sri Krishna University, Chhatarpur. Congratulations to Dr. Sushil Kumar Shukla, Dr. Rakesh Kumar Pandey, and Ms. Aisanya Khare. And next award is Godavari Academy Impact Award. The purpose of this award is recognized individual or team who have initiated program within their department or across the university that had a positive impact. This award goes to Dr. Arjun Shukla. He is gold medalist, zoologist, Dr. M.H. College of Science, Jabalpur, Madhya Pradesh. Dr. Sandeep Kushwaha, scientist, Geological Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Mr. Mohit Kumar, Department of IT Cell, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Congratulations to Dr. Arjun Shukla, Dr. Sandeep Kushwaha, and Mr. Mohit Kumar. Thank you so much, sir. And our next award is Social Innovative ESW National Award. This award, based on outstanding contribution in the field of NGO. And this award goes to Mr. Muhammad Adil. Thank you, sir. Thank you. He is volunteer from Nehru Yuva Kendra, Punch, Jammu Kashmir, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Social Innovative ESW National Award goes to Mr. Arjun Punstob from Leh Ladakh, Mr. Santosh Gupta, CEO ISRN New Delhi,
डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम चेयरमैन श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर मोहम्मद आदिल, मिस्टर अर्जुन, मिस्टर संतोष गुप्ता, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम फॉर